एक गांव में रामकुमार अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा पिचकू और छोटी बेटी चीनू है। रामकुमार गरीब आदमी है और मजदूरी करके अपना पेट पालता है। दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। रामकुमार की बीवी का इंतकाल पहले ही हो गया है। रामकुमार ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश करता है। पिचकू अपने घर में जमीन पर बैठा है और वो कुछ सोच रहा है, तभी बाहर से मुंह लटकाए चीनू आती है। भाईजान, मुझे जूते चाहिए। तू ठीक तो है? अब तक तो गुड़िया मांगती थी, अब अचानक से जूतों का ख्याल कैसे आ गया? भाईजान, मुझे चाहिए तो चाहिए। जूते खरीदने के लिए कम से कम 100 रुपए चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 ही रुपए हैं। भाईजान, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जूते चाहिए तो चाहिए। अरे अभी कैसे लाऊं? अब्बू इतने पैसे नहीं देंगे। भाईजान, मैंने आज एक लड़की के पास बढ़िया वाले जूते देखे और मुझे भी अब वैसे ही जूते चाहिए। अच्छा सुन, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं तुझे रक्षाबंधन पर बढ़िया जूते ला कर दूंगा, तब तक मैं कुछ पैसे जोड़ लेता हूँ। पिचकू ने चीनू को समझा कर भेज दिया, लेकिन खुद फिक्रमंद हो गया कि अब वो कैसे जूतों का इंतजाम करेगा। अगले दिन पिचकू स्कूल जा रहा था। सावन का महीना है, बहुत तेज बारिश हो रही है। पिचकू एक मंदिर के गेट पर बारिश से बचने के लिए खड़ा हो जाता है, तभी उसने देखा कि कुछ लोग भगवा कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं? पिचकू की ये बात वहाँ बैठे हुए एक बाबा ने सुन ली। बेटा, सावन का महीना चल रहा है और आज ये लोग हरिद्वार से भोले बाबा की कावड़ लेने जा रहे हैं। इन्हें कावड़िया कहते हैं। बाबा, कावड़ किसे कहते हैं और इसे कौन ले जा सकता है? मेरे अब्बू तो कभी नहीं गए। बच्चे, इसमें माँ गंगा का पावन जल लाया जाता है और फिर महादेव को नहलाया जाता है। इससे सभी दुख दूर होते हैं और मुराद पूरी होती है। तब तो भोले बाबा मुझे चीनू के लिए जूते भी दे देंगे। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? बाबा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे बिल्कुल नहीं है। बच्चे, पैसे की फिक्र मत कर, जब भोले बाबा बुलाते हैं तो उंगली पकड़कर वो ले ही जाते हैं। सच बाबा? हाँ, तुम कपड़ों की भी फिक्र मत करो, ऐसे ही आ जाओ, कपड़े भी भगवान खुद दे देंगे। पिचकू ने स्कूल का बैग वहीं रख दिया और खुद भी उन भक्तों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। ऊपर से बरसती हुई बारिश और भोले के भजन गाते हुए पिचकू भी उनके साथ मग्न होकर नाचने लगा। बोल बम, बोल बम, बोल भोले की बम, हर हर महादेव। पिचकू हरिद्वार पहुंच गया और वहां जाकर उसने सभी लोगों के साथ नहाया और कावड़ में पानी भर के घर की तरफ रवाना हुआ। 6 दिन के बाद पिचकू कावड़ लेकर आया और महाशिवरात्रि के महापर्व पर उसने गंगा का पानी महादेव पर चढ़ाया। भोले बाबा, मेरी बहन को जूतों की जरूरत है, बस अब आप मुझे जूते दिला दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बच्चे, तुमने बाबा को खुश कर दिया, अब तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। बाबा, मुझे अपनी बहन के लिए जूते चाहिए, अब तो मैं कावड़ भी ले आया, लेकिन भोलेनाथ ने तो जूते नहीं दिए मुझे। सब्र का फल मीठा होता है, तुम आराम से घर जाओ, भोलेनाथ बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। पिचकू मन में विश्वास लिए बहुत खुशी से घर की तरफ चल दिया। पिचकू रास्ते में जा रहा होता है, घर जाऊंगा तो अब्बू बहुत नाराज होंगे, क्योंकि मैं उन्हें बिना बताए चला गया था, लेकिन चीनू ने जिद इतनी की थी कि मैं सब कुछ भूल गया और उसके लिए जूते लेने निकल पड़ा, लेकिन अब बिना जूतों के ही घर जा रहा हूँ। चीनू को भी मेरी फिक्र हो रही होगी। ये सब सोचकर पिचकू बहुत उदास होता है, तभी वो देखता है कि सामने एक नया ढाबा खुला है और उसके सामने उसके अब्बू अच्छे कपड़े पहने हुए खड़े हैं। पिचकू उन्हें देखकर डर गया। अब्बू को तो गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आओ पिचकू बेटा, कैसे हो? अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना आपकी इजाजत के चला गया था। पिचकू,
मुझे बाबा ने सब कुछ बता दिया है। देखो ये ढाबा भी बाबा ने ही दिया है। क्या सच में अब्बू? हाँ, तुमने ही तो कहा था बाबा से। पिचको अपने दिल में सोच ही रहा था कि भोले बाबा के देने का तरीका अलग है। तभी खिलखिलाते हुए चीनू वहाँ आ गई। भाईजान भाईजान, आपने मेरे लिए जूते भिजवाए थे ना? हाँ बहन, सब महादेव की मेहरबानी है, उनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं भोले बाबा की कावड़ लेकर गया था। पिचकू ने अपने अब्बू और चीनू को अब तक की सारी घटनाएं बताई। अब सबकी समझ में आ गया कि ये सारा खेल महादेव का रचा हुआ था। राम कुमार अब ढाबा चलाने लगा और पिचकू और चीनू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। उनके पास अब अच्छे कपड़े, अच्छा खाना आ गया था। अब तीनों रोज सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर में जाने लगे और गरीब लोगों की मदद करने लगे। नीना के सालगिरह की सुबह उसके अम्मी और अब्बू मिलके उसके लिए एक खूबसूरत लिबास लेकर आए। शाम को घर सजा था और बस अब केक आने की देरी थी। दोनों अम्मी अब्बू नीना को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर बाजार से केक और समोसा लाने गए। नीना इंतजार कर रही थी पर उसके अम्मी अब्बू कभी वापस नहीं आए। उन दोनों का सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। तुम्हारे भाई बहन तो गुजर गए और इस बला को हमारे हवाले कर गए। इतनी महंगाई है, इसका खर्चा कौन उठाएगा? नीना को मजबूरन अपनी चाची के घर में आसरा लेना पड़ा। उसके चाची ने उसका कॉलेज बंद करवा दिया और उसे घर में काम करने बैठा दिया। देख नीना, तू मेरे घर का सारा काम करेगी, उसके बदले में खाना और सोने के लिए बावर्ची खाना मिल जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। जी चाची जान, मैं काम कर लूंगी चाची जान। नीना की चाची और उसकी बेटी स्वाति ने मिलकर नीना का जीना हराम कर दिया था। ठीक एक साल बाद नीना की सालगिरह आती है और वो अपनी सालगिरह के लिबास को पकड़कर रोते हुए सो जाती है। दूसरी सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो लिबास उसके हाथों में चुभ रही थी। उसने गौर से देखा तो वो लिबास हीरे की बन चुकी थी। चाची जान, मुझे एक चीज दिखानी है आपको। नीना के चाचा उससे प्यार तो बहुत करते थे पर अपनी बीवी के डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते थे। नीना का उस घर में बस वही एक सहारा थे। बेटा ये तो हीरा है, पूरा लिबास हीरे का है। हाँ, अब मैं क्या करूँ इसका? इसको अपनी चची जान से छुपा के रखना, भाई जान और भाभी जान की एक ही निशानी है तुम्हारे पास। जी चाचा जान। नीना रात रात को चुपके से वो लिबास को पहनकर अपने आप को देखती थी आईने में। एक रात उसने देखा कि उसकी रजाई में एक बहुत बड़ा सा छेद है। काश मुझे एक नई रजाई मिल जाती, इस छेद की वजह से रात भर ठंड लगती रहती है। जैसे ही नीना ने ख्वाहिश की, वो रजाई धीरे से चमकती हुई एक नई रजाई में बदल गई। नीना खुश हो जाती है और अपने लिबास को फिर से छुपाकर सो जाती है। दूसरी सुबह, ए लड़की उठ, जल्दी उठ। जी चाची जान, मैं उठ गई। सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई है ये रजाई? मैंने चोरी नहीं की चाची जान। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक चोर को घर में आसरा दे रखा है मैंने, गांव वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? पर चाची जान, मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये इतनी खूबसूरत और नई रजाई तुझे तेरे मरे हुए अम्मी अब्बू देके गए हैं? चाची जान, अम्मी अब्बू के बारे में कुछ मत कहिए। चुप, बिल्कुल चुप, जबान लड़ाती है। वो जो धोने वास्ते कपड़े निकाले हैं वो खुद धुल जाएंगे। जा काम कर अपना। नीना को पूरे दिन काम करने के बाद उसकी चाची उसे रात को गेहूं पीसने को देती है और खुद आराम से सो जाती है। दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ, ऊपर से रात को चाची जान काम दे देती है। नीना उदास होकर गेहूं पीस रही थी कि उसे हीरे के लिबास की खनखनाहट सुनाई दी और उसे याद आया कि उसके पास वो जादुई हीरे का लिबास है। अच्छा हाँ, मैं तो उस लिबास के जादू से भी कर सकती हूँ ये सारे काम। नीना लिबास पहनती है और झट से सारा गेहूं खुद ब खुद पिस जाता है। नीना उठ, तुझे बोला था ना सारा गेहूं पीस देना, यहाँ खर्राटे मार के सो रही है कान चोर। पर चाची जान, गेहूं तो पीस लिया सारा। क्या? हाँ वो देखिए। चाची सारे पिसे हुए गेहूं को देखकर हैरान हो जाती है। धीरे धीरे नीना की जिंदगी अब काफी आसान हो जाती है।
जब भी चाची उसको कुछ काम देती तो नीना चुपके से अपने हीरे की लिबास पहनती और झट से काम कर लेती। एक दिन चाची और उसकी बेटी मिलकर बातें कर रही थी। अम्मी, कुछ तो गड़बड़ है, वो लड़की सारा का सारा काम वक्त पर कैसे खत्म कर लेती है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि कुछ दिनों से वो बेहद खुश रहती है, चाहे जितना भी काम दे दो उसे मुस्कुराकर राजी हो जाती है। जितना काम हम उसको देते हैं उतना तो कोई रोबोट भी ना कर पाए आसानी से, ये कैसे कर लेती है। इस पर नजर रखनी होगी बेटी। माँ बेटी मिलकर नीना पर नजर रखने के मंसूबे बनाते हैं। चाची नीना को ढेर सारा काम देकर आधी रात तक उसके बगल में बैठी रहती है। जैसे ही चाची की आंख लगती है, नीना अपने हीरे का लिबास निकालकर सारा काम खत्म कर लेती है। पर अचानक वहाँ स्वाति आ जाती है। अम्मी, उठो अम्मी, देखो इसके पास ये करामाती लिबास है। हाँ, वही तो मैं सोचूं कि इतना सारा काम कैसे कर लेती है तू, ला दे मुझे। नहीं, ये मेरे अम्मी अब्बू की आखिरी निशानी है। माँ, ये तो हीरे लगे हुए हैं इसमें। दुष्ट, एहसान फरामोश, मैं एक साल से तेरी परवरिश कर रही हूँ, तेरे सारे खर्चे खुद के पैसों से कर रही हूँ और सारे हीरे खुद के लिए ही रख रही है तू। अब तो ये लिबास मैं हासिल करके ही रहूँगी। नहीं, मेहरबानी, बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए चाची। जैसे ही चाची नीना का लिबास छीनने आती है, सारे हीरे कांच में तब्दील हो जाते हैं और चाची के हाथों में चुभ जाते हैं। आए हाय, कितना दर्द हो रहा है। स्वाति, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है, छीन ले उसका लिबास। स्वाति भी अपनी माँ की तरह नीना के बदन से लिबास उतारने जाती है तो हीरे कांच बनकर उसके पूरे बदन में चुभ जाते हैं। आ, अम्मी, मुझे भी चुभ गए। आ, बचाओ, अब बहुत दर्द हो रहा है। इसको गिरा देते हैं, इस लिबास के ऊपर सारे कांच चुभ के मर जाएगी, फिर ये लिबास हमारा। चाची और स्वाति मिलकर नीना को गिराने आते हैं। पर नीना जब वो लिबास पहने हुए गिरती है तो उसके लिए वो लिबास बिल्कुल रुई सी मुलायम बन जाती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आज हीरे के लिए आप मेरी जान भी लेने को तैयार हो। अरे नहीं बेटी, हमें छोड़कर कहाँ जाओगी तुम। हम तो तुम्हारे अम्मी अब्बू के समान है, रह जाओ तुम यहाँ, बस बीच बीच में थोड़े हीरे देते रहना। नीना गुस्से में अपना सारा सामान और हीरे का लिबास पैक करके घर से निकल जाती है। अपने लिबास से छोटे छोटे हीरे निकालकर वो खुद के लिए एक घर खरीद लेती है और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है शहर में। नीना अपनी चाची और उसके दुष्ट बेटी से दूर अपनी एक नई और खुशहाल जिंदगी बसर करती है।